गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 कंप्यूटर सब्जेक्ट। स्टूडेंट, वी कंप्लीटली लर्न और ब्रीफ डिस्कशन अबाउट व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज फोल्डर इन अवर प्रीवियस वीडियो। व्हाट इज फाइल? द डेटा वी कैन टाइप एंड सेव इन पर्टिकुलर फॉर्म इज कॉल्ड अ फाइल। फाइल स्टोर इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अ फोल्डर। इन फोल्डर सब फोल्डर ऑल्सो पॉसिबल। फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। देर आर लॉट ऑफ फाइल फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंटेशन फाइल, पिक्चर फाइल, म्यूजिक फाइल, ऑडियो वीडियो फाइल्स, प्रेजेंटेशन फाइल्स। ऑल फॉर्मेट्स ऑफ फाइल आर पॉसिबल इन कंप्यूटर सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। ठीक है, हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट फाइल फोल्डर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और फाइल्स क्या है, फोल्डर क्या है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमने देखा चैप्टर नंबर 2 में कि डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप के जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम, जो डेस्कटॉप एरिया है उसको क्या बोलेंगे। फिर इंटरफेसिस क्या है, CLI एंड GUI, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो सब दोनों के बारे में हमने डिफरेंस पढ़ा। वी ऑल्सो लर्न द डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं कि डेस्कटॉप के बाद जब हम स्टार्ट मेनू में क्लिक करते हैं तो वो कैसे कैसे एप्लीकेशन या प्रोग्राम हमें देता है, उसका यूज क्या है। इसके बाद हमने एक और भी देखा था कि माउस क्लिकिंग, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, उसका यूज क्या है, वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज का उसका थोड़ा प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद थोड़ा जो हमारा नया टॉपिक है वो भी हम लेंगे। ठीक है, तो टुडे वी लर्न इन स्टैंडर्ड 8 कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 द स्टार्ट मेनू। क्या पढ़ेंगे हम? स्टार्ट मेनू। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो सेट करके रखा है, मेरे सामने पीसी है। आपको क्या करना है, मेरा कर्सर जहां मूव हो रहा है वो देखना है शांति से। आपके घर पे भी कंप्यूटर होगा तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर नहीं है तो वीडियो आप देख के कुछ समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपको ये शांति से सुनना है, आपके मोबाइल में भी आप ये सब कुछ करते ही हो। ठीक है, तो पहले ये जो मेरा स्क्रीन जो दिख रहा है आप सबको, जिसमें ब्लैंक एरिया है, छोटे छोटे आइकॉन्स भी है, मैं उसको थोड़ा मैग्नीफायर को कम करती हूँ, जूम। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, तो ये जो क्लियरली आपको दिख रहा है वो है मेरा डेस्कटॉप, इट्स कॉल्ड अ डेस्कटॉप। ऑन अ डेस्कटॉप देर आर अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल दिस आर कॉल्ड द आइकॉन, स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकॉन। ठीक है, ये सब क्या है, मेरे आइकॉन्स है। फिर इन बॉटम ऑफ द बार, बॉटम ऑफ द स्क्रीन, सबसे नीचे का जो स्क्रीन है, बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड टास्क बार, इट्स कॉल्ड टास्क बार। एंड द ब्लैंक एरिया इज कॉल्ड वॉलपेपर और अ बैकग्राउंड। ठीक है, देर आर थ्री पार्ट इन ऑन अ डेस्कटॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आइकॉन, इट्स अ स्मॉल पिक्चर ऑन अ डेस्कटॉप लेफ्ट साइड। द बॉटम पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार एंड द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड अ बैकग्राउंड और अ वॉलपेपर। ठीक है, इन बॉटम पार्ट ऑफ अ डेस्कटॉप देर इज अ स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्चर एंड अ शेड्यूलर। शेड्यूलर मीन्स जो डेट एंड टाइम का दिखता है ना आपको, देखिए जहां पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है दिख रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया तो एक क्लॉक खुल गई, कैलेंडर आ गया। जो क्लॉक एंड कैलेंडर आता है उसको हम क्या बोलेंगे, शेड्यूलर। क्या बोलेंगे, शेड्यूलर। इतना क्लियर है? ओके, ना अब डेस्कटॉप के बारे में तो हमें पता चल गया, ये नोटिफिकेशन एरिया है। अभी देखिए ये अभी क्या बता रहा है कि एक वायरस कुछ आ गया है, उसके रिगार्डिंग कुछ मैसेज है। अभी मैंने वॉल्यूम म्यूट रखा है, नो वॉल्यूम है, स्पीकर मेरा ऑफ है। ठीक है, ये सब क्या है, मेरा नोटिफिकेशन एरिया। क्या है नोटिफिकेशन एरिया, एक बार फिर से बता देती हूँ आपको जूम करके, देखिए ये है मेरा नोटिफिकेशन एरिया, दिखता है अभी क्लियर, ये नोटिफिकेशन एरिया, ये शेड्यूलर है। ठीक है, जिसपे क्लिक करोगे तो कैलेंडर एंड क्लॉक खुल जाएगा, ये नोटिफिकेशन एरिया है। देखो ये स्पीकर के बारे में बता रहा है कि अभी कुछ भी स्पीकर और ऑडियो आपने डिटेक्ट नहीं किया, मतलब लगाया नहीं है। ठीक है, ये मेरा ब्लैंक एरिया है जिसको हम डेस्कटॉप बोलेंगे, वॉलपेपर, ये सारे छोटे छोटे आइकन्स है और उसके नीचे है स्टार्ट बटन। ओके, दूसरा है हमने देखा था माउस क्लिकिंग,
तो जैसे कि माउस में क्लिक होता है तो जिस ये जो मूव रहा है एरो वो है क्या है पॉइंटर, वो क्या है पॉइंटर टू पॉइंटिंग एनी प्लेस, किसी भी प्लेस को पॉइंटिंग करने के लिए क्या आएगा पॉइंटर। फिर जस्ट क्लिक, क्लिक करने से क्या होगा वो सिलेक्ट होता है, जैसे कि मैंने कंप्यूटर पे क्लिक किया तो वो क्या हो गया सिलेक्ट हो गया। क्लिक मेथड टू यूज द रिलीज द माउस क्लिक और सिलेक्ट एनी आइकॉन, फ्रीक्वेंटली यूज राइट क्लिक, राइट क्लिक हम यूज करते हैं तो इस तरह से डबल क्लिक, हम डबल क्लिक करेंगे तो कोई भी विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे कोई विंडो ओपन होगा तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। When we double click on any icon, it select and open. मतलब वो select भी हो गया और क्या हो गया open हो गया, ठीक है। Double click का use क्या है open any icon or a program, ठीक है। Right click क्या करेगा, right click is display the content of a icon, ठीक है। Right click करेंगे तो देखो इसके content आ गए कि भाई properties, cut, copy, paste, ऐसे कुछ particular task करने हैं तो हम क्या करेंगे right click, ठीक है, राइट क्लिक माउस का राइट क्लिक, ठीक है, वो देखने के लिए हम इसका यूज करेंगे। जैसे कि व्यू है, शॉर्ट बार है, रिफ्रेश है, ठीक है, वो सब आएगा माउस क्लिक में, राइट क्लिक में। देन वी मूव ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड मींस आपको माउस का क्लिक ड्रैग करके रखना है आइकॉन को और फिर उसको रिलीज करना है, रिलीज करना है मतलब छोड़ना है, ड्रॉप करना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम ड्रैग एंड ड्रॉप, क्या बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। पहले किसी भी आइकॉन को आप सिलेक्ट करो, फिर उसको मूव करो और किसी और जगह छोड़ दो, तो वो क्या हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ। तो ये सारी हमने मेथड सीख ली है जो है माउस क्लिकिंग के बारे में। अब हम चलते हैं द स्टार्ट मेनू, किसमें जाएंगे स्टार्ट मेनू, तो देखिए क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ये क्या है मेरा स्टार्ट मेनू, दिखता है ना सबको, हाँ ये क्या है मेरा स्टार्ट बटन, क्या है स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, प्रेस विंडोज लोगो, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर आपके कीबोर्ड में विंडोज का लोगो होगा, कौन सा है मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, देखो ये कीबोर्ड है मेरा, दिखता है सबको, ये कीबोर्ड में, हाँ ये जो अल्टर के बाजू वाला की देखता है, अल्टर और कंट्रोल के बाजू वाला जो ये की है ना, वो क्या है मेरा विंडोज बटन, क्या है विंडोज बटन, क्या है विंडोज बटन, जिसको हम सुपर की भी बोलते हैं, कौन सी की सुपर की, कौन सी की सुपर की, तो आप वो विंडोज बटन को प्रेस करोगे तो भी ये स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा, अगर माउस से क्लिक नहीं करना है तो आपको कौन सा बटन प्रेस करना है विंडोज बटन तो भी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। या फिर तीसरा थर्ड मेथड इज कंट्रोल एंड एस्केप, कंट्रोल प्रेस करके क्या प्रेस करना है एस्केप, ठीक है, इट इज वेरी इफेक्टिव मेथड, ऑलवेज व्हेन वी वांट टू क्विक प्रोसेस और फास्ट काम विथ कीबोर्ड, ऑलवेज वी यूज शॉर्टकट की, ठीक है, जितना शॉर्टकट की आपको आता होगा इतना फास्ट काम आप कीबोर्ड से कर सकोगे, ठीक है, माउस को हाथ में लो क्लिक करो, उससे बेटर है कि कीबोर्ड से फटाफट टाइप भी करो और शॉर्टकट की से काम भी पता दो, निपटा दो, ठीक है। तो सब तीन मेथड हुए, देर आर थ्री मेथड टू ओपन स्टार्ट बटन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सेकंड इज प्रेस विंडोज बटन, ठीक है, अदरवाइज यूज प्रेस कंट्रोल एंड एस्केप की, कंट्रोल एंड एस्केप की टू ओपन अ स्टार्ट बटन, क्लियर है, ठीक है, ओके, ठीक है, ये स्टार्ट बटन है, अब उसके बारे में लेते हैं। इन स्टार्ट बटन देयर आर लेफ्ट पैनल एंड राइट पैनल, लेफ्ट पैनल एंड राइट पैनल, क्या है ये लेफ्ट पैनल और ये है राइट पैनल, ठीक है। इन लेफ्ट पैनल देर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के नाम है जैसे कि ओपन ऑफिस, राइटर, टर्बोसी, कैलसी, कंपोजर, इम्प्रेस, पेंट प्रोग्राम, पावर पॉइंट, एक्सेस, देर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स इन लेफ्ट पैनल एंड, देखिए ये दिखता है आपको, ये मेरा लेफ्ट पैनल है, एंड राइट साइड
राइट साइड पैन में क्या दिखेगा हमें, राइट साइड पैन और स्टार्ट बटन क्लिक अप पार्ट्स ऑफ अ विंडो जो फ्रिक्वेंटली यूज। राइट साइड पैन में क्या दिखता है, जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो सारे प्रोग्राम्स, जैसे कि एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर, डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या फाइल्स पड़ी है वो दिखाएगा, पिक्चर्स फाइल कौन सी है वो दिखाएगा, म्यूजिक फाइल कौन सी है वो दिखाएगा। दिखाए सबको, और ज्यादा जूम कर दूं, ओके देखिए अब दिखेगा, एडमिन है। लेफ्ट पैन में क्या है, सारे प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन, देखिए ऑल प्रोग्राम्स है, ठीक है। ऑल प्रोग्राम्स में आप जाओगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, उसका लिस्ट दिखाएगा। आ गया ये सारा लिस्ट आ गया, ठीक है आप देख सकते हो। जिसमें एक सर्च बॉक्स भी आता है नीचे, ये क्या है, सर्च बॉक्स, क्या है, सर्च बॉक्स, जहां क्लिक करके आप पर्टिकुलर फाइल्स या फोल्डर्स या कोई भी प्रोग्राम ढूंढ सकते हो। जैसे कि मैं लिखती हूं फाइल वन, फाइल वन, मैंने ऐसी कोई फाइल बनाई है कि नहीं, मेरे कंप्यूटर में है कि नहीं, ऐसे कुछ ढूंढना है, तो मैंने क्या लिख दिया, फाइल वन। तो देखिए फाइल वन नाम की जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो मेरे पास आ गए, आ गए फाइल वन के सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी पेंट, PAINT, पेंट प्रोग्राम आप पढ़ चुके हो, ठीक है, मैंने टाइप किया है पेंट, तो यहाँ पे देखो पेंट प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर का लोगो आ गया। तो इस तरह से आप लेफ्ट पैन के सर्च बटन में जाके कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, कोई भी फाइल फोल्डर या प्रोग्राम ढूंढ सकते हो। क्लियर है इतना, ठीक है, ओके। अब क्या, अब हम आते हैं राइट पैनल में। तो देखो राइट पैनल में एडमिन, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर मेन यूजर है, उसका नाम है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसमें क्या होगा, जो भी फाइल्स और फोल्डर है डॉक्यूमेंटेशन फोल्डर में वो दिखेगा। पिक्चर फोल्डर में आपको दिखेगा पिक्चर्स फाइल, देखो मैंने पिक्चर फोल्डर पे क्लिक किया तो ये सारी पिक्चर्स फाइल खुल गई, ठीक है। फिर से हम जाते हैं स्टार्ट में, राइट पैनल में, फिर म्यूजिक फाइल देखनी है तो देखो यहाँ पे सिंबल भी चेंज होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिंबल भी चेंज होता रहेगा। जैसे कि मैं सिलेक्ट करती हूँ पिक्चर फाइल, तो देखो ऊपर पिक्चर का सिंबल चेंज हो गया। जैसे मैं सिलेक्ट करती हूँ म्यूजिक फाइल, तो ऊपर म्यूजिक का सिंबल चेंज हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये सब है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप जैसे माउस घुमाते हो, पॉइंटर को जिस जगह ले जाते हो, उसके हिसाब से उसका आइकॉन चेंज होता है, उसका नाम आ जाता है, ठीक है। अब हम गेम्स में जाएंगे तो लॉट्स ऑफ गेम भी आपको दिखेंगे। देखो मैंने गेम्स पे क्लिक किया तो ये कंप्यूटर में जितने भी गेम्स होंगे वो मुझे दिखेगा, नहीं होंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है, इसमें नहीं है तो नहीं दिखा रहा। फिर आता है कंप्यूटर्स, जिसमें सी ड्राइव डी ड्राइव के रिगार्डिंग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल पैनल, वेयर यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर कंप्यूटर, इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, ठीक है। कंप्यूटर का जो अपीयरेंस है उसको बदलना है, उसके सेटिंग्स चेंज करने हैं, कोई नया प्रोग्राम डालना है, कोई पुराना प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है, ऑल आर कमांड्स पॉसिबल थ्रू कंट्रोल पैनल, ठीक है। इन शॉर्ट, इफ एनी चेंजेस, एनी सेटिंग और एनी अनइंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन टास्क आर पॉसिबल थ्रू कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट, डिवाइसेस एंड प्रिंटर, इफ यू वांट टू अ न्यू डिवाइस अटैच और अ न्यू प्रिंटर अटैचमेंट, देन यू यूज डिवाइसेस एंड प्रिंटर ऑप्शन, ठीक है। डिवाइसेस एंड प्रिंटर ऑप्शन तब आपको यूज करना, जैसे कि मैंने आज नया प्रिंटर खरीदा है तो उसका प्लग मैं लगा दूंगी। प्लग लगाने के बाद कंप्यूटर सिस्टम में तो उसको सेट करना पड़ेगा ना कि कौन से सीरीज का प्रिंटर है, ठीक है, वो कितनी प्रिंट लेना है, वो सब कुछ ऐसे सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या आएगा, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। फिर आता है डिफॉल्ट प्रोग्राम्स, डिफॉल्ट कौन कौन से प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में है वो चेक करने हैं, तो डिफॉल्ट प्रोग्राम्स में आप जा सकते हो, ठीक है, उसमें से कुछ डिलीट करना है, कुछ चेंजेस करना है तो भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्प एंड सपोर्ट, यू गेट हेल्प फॉर यूजिंग विंडोज, ठीक है। हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक कर दिया है मैंने,
ठीक है, तो ये हेल्प एंड सपोर्ट विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे आपको लिखना है हेल्प के लिए क्वेश्चन कि आपको कौन से टॉपिक पे हेल्प चाहिए, वो आप लिखोगे तो उसका आंसर दिखेगा। जैसे कि मैं लिखती हूँ PAINT पेंट, देखो तो क्या हो गया, यूजिंग पेंट, ओपन पेंट प्रोग्राम, गेटिंग स्टार्टेड विद पेंट प्रोग्राम, चेंज द पिक्चर फॉर्मेट, क्रॉप अ पिक्चर, ठीक है, ये सब मैसेज आ गए। उसमें से मैं ओपन पेंट प्रोग्राम में जाऊंगी तो देखो यहाँ उसके स्टेप दे दिए कि क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन चूज अ पेंट प्रोग्राम, देन यू कैन सी द पेंट विंडो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाके किसी भी टॉपिक या प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर है इतना? तो ये हमने देखा स्टार्ट बटन, ठीक है, उसमें दो पैनल है, लेफ्ट पैनल एंड राइट पैनल। लेफ्ट पैनल में ऑल प्रोग्राम्स होते हैं, राइट पैनल में उसके रिगार्डिंग मैसेजेस या उसके रिगार्डिंग ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब टास्क बटन में और क्या होता है, सर्च बॉक्स भी होता है और शटडाउन बटन भी होता है। देखो सर्च बॉक्स तो मैंने आपको दिखा दिया, ये क्या है सर्च बॉक्स, और ये क्या है शटडाउन बटन, जिससे हम कंप्यूटर बंद कर सकते हैं प्रॉपरली। क्लियर है इतना? ठीक है, द बॉटम ऑफ द राइट पैनल शटडाउन बटन इज अपीयर व्हेन वी क्लोज और टर्न ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, शटडाउन पे क्लिक करोगे तो हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि देखो ये सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखते हैं, अब मुझे ऐसा करना है कि मेरा कोई प्रोग्राम है जिसको यहाँ लाना है, ये मेन लिस्ट में मुझे हर रोज उसका, जैसे कि ये मैग्नीफायर है तो मैग्नीफायर का यूज मुझे हर रोज करना पड़ता है, ठीक है, जूम करने के लिए। तो यहाँ पे मैग्नीफायर को मुझे यहाँ ये लिस्ट में, स्टार्ट बटन के लिस्ट में, ऑल प्रोग्राम्स के लिस्ट में लाना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसको बोलेंगे पिन अ प्रोग्राम आइकॉन, पिन अ प्रोग्राम आइकॉन इन स्टार्ट मेनू। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स में जाके करेंगे एसेसरीज, एसेसरीज में से हम सिलेक्ट करेंगे, देखिए एसेसरीज में कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, कनेक्ट टू प्रोजेक्टर, गेटिंग स्टार्टेड, नोटपैड, पेंट, रिमोट, रन, स्निफिक टूल, साउंड रिकॉर्डर, स्टिकी नोट, विंडोज, वर्डपैड, ठीक है, ये सब कुछ है। ठीक है, इसमें से आपको सपोज नोटपैड लेना है तो नोटपैड पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक और उसमें जाएंगे पिन टू स्टार्ट बटन। राइट क्लिक में कौन सा ऑप्शन देंगे, पिन टू स्टार्ट बटन, पिन टू स्टार्ट बटन। क्लियर है? ठीक है, मैंने ये कर दिया पिन टू स्टार्ट बटन। अब मैं यहां से बैक हो जाती हूं तो, और ये मेरा स्टार्ट बटन मैंने बंद कर दिया, फिर से स्टार्ट पर क्लिक करूंगी तो देखोगे आप ये नोटपैड आ गया, आ गया डायरेक्टली, क्योंकि मैंने उसको एसेसरीज में से उठा के कहां ले लिया है, नोटपैड में। तो ये क्या हुआ, स्टार्ट बटन पे आ गया, जिसको हम बोलेंगे पिन टू स्टार्ट बटन। क्लियर है इतना? ठीक है, अब उसको वापस उसकी जगह छोड़ना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक और अनपिन, रिमूव फ्रॉम लिस्ट, तो वो ये लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव फ्रॉम लिस्ट करोगे तो ये लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा, पर हमें क्या करना है, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू, क्या करना है, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू, तो वो स्टार्ट मेनू में से कहां चला जाएगा, जहां पहले था वहां एसेसरीज में। ठीक है, देखो अब यहां से चला गया, अब स्टार्ट बटन में कहीं पे भी आपको नोटपैड दिखेगा नहीं। क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं, पहले ही जाने का ऑल प्रोग्राम्स में, एसेसरीज में, उसमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करो, जैसे कि पेंट प्रोग्राम है, रन प्रोग्राम है, वर्डपैड है, उस पर राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद पिन टू स्टार्ट मेनू, पिन टू स्टार्ट मेनू, तो ये स्टार्ट पेज में आ गया वर्डपैड।
अब वापस उसको अनपिन करना है, अनप्लग करना है, तो अगेन वर्डपैड पे राइट क्लिक एंड अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू। क्लियर है, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब उसके थोड़े स्टेप्स लिख लेते हैं। पिन और अनपिन का हमने देख लिया है, ठीक है। अब इसमें हम आइकॉन को आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहां पे लॉन्च डॉस बीएक्स है, तो उसके ऊपर क्लिक रख के उसको इस तरह से आगे और पीछे मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको आगे पीछे ऐसे मूव भी कर सकते हैं। देखो ये ऊपर नीचे हो गया, तो कहने का मतलब है एक ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से वापस से मैं उसको इसको ऊपर ले जाती हूँ। तो कहने का मतलब है कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से आप कोई भी क्रम को, ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। जैसे कि इस ऑर्डर में डेटा है, फिर आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हिसाब से, जैसे कि कोई एप्लीकेशन हर रोज यूज करनी है तो उसको पहले रख दो, तो इस तरह से हम उसके ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके स्टेप देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड प्रोग्राम ओपन करके रखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे, आपको नोट्स में लिखना है प्रैक्टिकल के स्टेप, क्योंकि वर्कशीट में फिर आपको ये सब पूछेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे हाउ टू ओपन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन का कितने मेथड है? थ्री मेथड। ये थोड़ा जूमिंग में बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत बार मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है। थ्री मेथड टू ओपन स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट बटन ओपन करने के लिए कितनी मेथड है? तीन है। पहली मेथड कौन सी है वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट मेथड क्लिक, कौन सी मेथड है? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। पहली मेथड हुई क्लिकिंग मेथड। सेकंड इज प्रेस विंडोज की फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, अब ये जो कीबोर्ड वाली जो की है विंडोज की, उसको क्या बोल सकते हैं हम? सुपर की। क्या बोलते हैं? सुपर की। विंडोज की इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर की, याद रखना है। विंडोज कॉल को क्या बोलेंगे हम? सुपर की। तीसरी मेथड कौन सी हो गई थी? प्रेस कंट्रोल, CTRL, कंट्रोल प्लस कौन सा की? एस्केप, एस्केप शॉर्टकट की फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, ये तीन मेथड हो गई। इसमें से कोई भी मेथड जो आपको इजी लगे उसे आप अपना काम कर सकते हो। क्लियर है? फिर हमने क्या देखा आगे? हमने एक स्टेप देखा पिन और अनपिन द प्रोग्राम्स, ठीक है। पिन और अनपिन द प्रोग्राम्स में क्या करेंगे हम, उसके स्टेप लिखते हैं। पिन और प्रोग्राम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को पिन और अनपिन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे
कैलकुलेटर को सबसे पहले क्या करेंगे हम, किसमें जाएंगे पिन करने के लिए, ऑल प्रोग्राम्स मतलब स्टार्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, उसमें से फिर क्या लेंगे नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, कौन सा ऑप्शन ऑल प्रोग्राम्स, फिर ऑल प्रोग्राम्स में से भी हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन एसेसरीज, क्या लेंगे एसेसरीज, एसेसरीज में जाने के बाद राइट क्लिक ऑन कैलकुलेटर आइकॉन, और राइट क्लिक में कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद पिन टू स्टार्ट मेनू, पिन टू स्टार्ट मेनू ऑप्शन, क्लियर है, ठीक है, हमने ये सारे ऑप्शंस लिख दिए। अब उसको अनपिन करने के लिए क्या करना है, तो जस्ट राइट क्लिक ऑन कैलकुलेटर आइकॉन एंड अनपिन, ठीक है, ये कौन सा स्टेप हो गया अनपिन का, अनपिन प्रोग्राम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर, तो पहले क्या करेंगे राइट क्लिक ऑन कैलकुलेटर आइकॉन और पिन की जगह कौन सा ऑप्शन ले लेंगे अनपिन, क्लियर है, ठीक है, ये स्टेप है, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। स्टार्ट बटन ओपन करने के 3 मेथड, प्रोग्राम को पिन करने के लिए क्या हो गया, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज में कैलकुलेटर पे राइट क्लिक और पिन टू स्टार्ट बटन। अब उसको अनपिन करना है तो राइट क्लिक ऑन आइकॉन मतलब कैलकुलेटर और अनपिन टू स्टार्ट मेनू, क्लियर है इतना, ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं।